Question number 12. देखो अभी क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आइटम, मतलब कितना आइटम हम लोग प्रोड्यूस करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले एक्स आइटम्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू, तो अपने को ना कॉस्ट दिया होगा, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, कॉस्ट 2x² प्लस 3x प्लस 10, जैसे समझो ना आप कोई जैसे मार्कर बनाया, तो एक मार्कर बनाने का समझो 15 रुपया खर्चा है, तो अगर मैं 10 मार्कर बनाता हूँ तो मेरा टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, 1.5, तो ये टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट कितना प्रोडक्ट बनाने का एक्स, और वो कितना प्रोडक्ट अपने को नहीं पता, खाली एक्स आइटम बोला हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, एक्स है, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, क्या फाइंड करना आप लोगों, टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कुछ दिख रहा है वहां पे, एंड द मार्जिनल कॉस्ट, एंड द मार्जिनल कॉस्ट इफ 10 आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा इफ 10 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 10 आइटम अगर हमने प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट, तो चलो एक काम करते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे, लेट मैंने 150 रुपये में 10 पेन बनाए, 150 में मैंने 10 पेन बनाया, तो मैंने एक पेन कितने बनाया है ना, तो एक पेन क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो अपना टोटल कॉस्ट कितना है, क्या फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट के लिए, कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आइटम ना, तो 2x² प्लस 3x प्लस 10 अपॉन एक्स, ये अपना हो गया एवरेज कॉस्ट। फिर क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखो आपको मार्जिनल कॉस्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ किसका, सी का, सी मतलब कॉस्ट, कॉस्ट कितना, ये सी है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव, तो पहले वैल्यू लिख लो, डी अपॉन डी एक्स, क्या वैल्यू है, 2x² प्लस 3x प्लस 10। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो 2 क्या होगा, आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कितना होएगा, 4, और फिर x के पावर में क्या आएगा, 1, और x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 × 3 क्या होगा, 3, और 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कल भी ऐसा हमने किया था, हाँ। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपने को, ठीक है, 4x प्लस 3। फिर उसके बाद क्या निकाला आपने को, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकाला ना, बोला ना, ये रहा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, डी अपॉन डी एक्स और डी सी, ठीक है, डी सी नहीं है, समझ। तो एवरेज कॉस्ट तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, ये है ना एवरेज कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा, अच्छा डेरिवेटिव्स किसका निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट का, तो एवरेज कॉस्ट कहाँ पे, ये रहा है ना, तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव्स ऑफ डी एक्स, एवरेज कॉस्ट कितना है, 2x² प्लस 3x प्लस 10 अपॉन एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो
अब ध्यान से समझो इसको, x है ना, इन तीनों के लिए क्या कॉमन है? कॉमन। इसको कैसे लिखेंगे पता है? v अपॉन डी एक्स, फिर पहले इसको 2x स्क्वायर अपॉन x लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x अपॉन x है ना, और प्लस 10 अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 2x है, नीचे 1x है, तो 1x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ठीक है। तो d बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 3 प्लस 10 अपॉन x, 10 अपॉन x को भी क्या लिख सकते हैं पता है, d अपॉन dx, 2x प्लस 3 प्लस 10 x माइनस 1 आएगा, बराबर ना। डिनोमिनेटर में है तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 2x का क्या होगा 2, 3 का क्या हो जाएगा 0, और ये 1 आगे आगे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो प्लस 10 इंटू माइनस 10 क्या होगा, तो याद है ना तुम लोगों को 2x पावर 3 है तो 3 टू जा 6 हो जाता है वैसा, तो प्लस के जगह पे क्या होगा माइनस 10, और मालूम है ना माइनस 1 इसमें और माइनस 1 करेंगे पावर में जो है उसमें से एक माइनस 1 करते हैं, तो माइनस 1 क्या होंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2, समझा के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 10 ऊपर रहेगा और ये पावर माइनस में है ना, तो नीचे किस में आएगा, पावर प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, बुक में आंसर रॉन्ग भी होगा, ठीक है। तो ये क्या निकला हमको, मैक मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, समझ में आया। फिर उसके बाद और क्या पूछा है, व्हेन 10 आइटम्स प्रोड्यूस, व्हेन 10 आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस, एक ही चीज है, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, है ना। जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, जहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट कितना दिया था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, x की जगह पे क्या पुट करोगे 10 पुट करोगे ना, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 इंटू 2 3 30 आपका टोटल कॉस्ट कितना है 10 यूनिट का 240, ठीक है। फिर क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फॉर व्हाट, x इज इक्वल टू 10 आइटम, 10 आइटम का एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट निकाला ना हमने, ये है ना क्या एवरेज कॉस्ट है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 अपॉन x, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने अभी सॉल्व किया ये पूरा, है ना, ये कितना आया 240, x की वैल्यू क्या है 10, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 24 रुपये, ठीक है। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट। फिर और क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 10 यूनिट का कितना होगा, x इज इक्वल टू 10, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाला होगा कितना है, तो मार्जिनल कॉस्ट 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 4 का 4 x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3, 10 फोर का 40 प्लस 3, 43, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है 43। बाद में क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फॉर व्हाट, फॉर 10 यूनिट्स, है ना। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कितना है फाइनली, 2 माइनस 10 अपॉन x का स्क्वायर, है ना, तो 2 का 2 लिखो, माइनस 10 का 10, x की जगह पे कितना लिखोगे, x की जगह पे 100 आएगा, 10 का स्क्वायर पहले बताना पड़ेगा ना, फिर ये 100 होगा, 100 इंटू 2 क्या होगा 200, तो 200 माइनस 10 और नीचे क्या है ये 100, तो 200 माइनस 10 कितना होगा 190, 190 को 100 से डिवाइड करेगा ना, तो 1.9 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
12वां सम, ठीक है। क्वेश्चन थ्री, सॉरी क्वेश्चन 13, क्या दिया हुआ है? द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय डिमांड फंक्शन, क्या दिया हुआ है? Given by P is equal to 40 plus 12 D minus 3 D का square, ठीक है। Price यानी क्या P, demand यानी क्या D, ठीक है। बाद में क्या पूछा है, find the total revenue, average revenue टोटल रिवेन्यू यानी क्या पूछा है आर, ठीक है। फिर क्या पूछा है, एवरेज रिवेन्यू यानी ए आर। फिर क्या पूछा है, मार्जिनल रिवेन्यू यानी एम आर, ठीक है। बाद में क्या पूछा है, ये तीनों पूछा है, व्हेन डिमांड यानी डी इज इक्वल टू क्या फाइव यूनिट, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करोगे, आर यानी क्या होता है टोटल रिवेन्यू, है ना। आर कैसे फाइंड करोगे, प्राइस इनटू डिमांड, प्राइस किधर है ये जाना, प्राइस 40 प्लस 12 डी माइनस 3 डी स्क्वायर, है ना। ये हमने प्राइस देखा और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिमांड से। जब डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, डी इंटू 40 क्या होगा 40 डी, डी इंटू 12 डी क्या होगा डी स्क्वायर, माइनस 3 डी इंटू डी स्क्वायर क्या होगा डी क्यूब हो जाएगा, समझे ना। ये आपको क्या मिला, टोटल रिवेन्यू, आर बन जाए टोटल रिवेन्यू। फिर अपने को क्या चाहिए, एवरेज रिवेन्यू ए आर। तो टोटल रिवेन्यू को डिमांड से जब डिवाइड कर देंगे ना तो क्या मिल जाएगा अपने को, एवरेज रिवेन्यू इंटू आर मतलब टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय डिमांड, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू क्या है, 40 डी प्लस 12 डी स्क्वायर माइनस 3 डी क्यूब डिवाइडेड बाय डी। अगेन वही करेंगे जो हमने किया था, 40 डी अपॉन डी प्लस 12 डी स्क्वायर अपॉन डी माइनस 3 डी स्क्वायर अपॉन डी, हाँ क्यूब है, ठीक है। तो डी डी कैंसिल, डी का दो कैंसिल और डी यहाँ पे क्या होगा, 40 प्लस 12 डी माइनस 3 डी स्क्वायर, ये क्या मिला अपने को, एवरेज रिवेन्यू, ठीक है ना। तो टोटल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू, अभी क्या चाहिए अपने को, मार्जिनल रिवेन्यू। वो कैसे निकालते अपन, डी अपॉन, ठीक है। तो मतलब टोटल रेवेन्यू का हम लोग डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू की जरूरत ये है ना, डी अपॉन टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्या है, 40 डी प्लस 12 डी स्क्वायर माइनस 3
डी क्यू है ना, और इसका डेरिवेटिव्स लो तो डी का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे डी कैसे आया, यहाँ पे तो एक्स रहता है ना, जब एक्स रहता है तब ना, अभी क्या है डी, डी फॉर्म में ना ये सब, तो इसके लिए नीचे क्या रहेगा डी रहेगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है, वन, तो वन इंटू फोर्टी, फोर्टी प्लस टू आगे आएगा तो टू ट्वेल्व का कितना होगा ट्वेंटी फोर, और डी का पावर वन होएगा तो दिखेगा नहीं तो भी चलेगा, थ्री थ्री था नाइन और थ्री में से वन गया, ये क्या तुम्हारा मार्जिनल डिविजन, ठीक है। व्हेन डिमांड इज फाइव यूनिट्स, व्हेन डिमांड इज यानी डी इज फाइव यूनिट्स, ठीक है, तब पूछा ना टोटल रिवेन्यू कितना होगा, तो क्या करने का है, टोटल रिवेन्यू मतलब आर, तो टोटल रिवेन्यू क्या है, फोर्टी डी प्लस ट्वेल्व डी स्क्वायर माइनस थ्री डी क्यूब है, तो फोर्टी का फोर्टी और डी का कितना लिखोगे फाइव प्लस ट्वेल्व फाइव का स्क्वायर, कैसे दिया है आप लोगों को, थ्री डी की वैल्यू क्या है फाइव का क्यूब, ठीक है। फोर फाइव का कितना होगा ट्वेंटी, ये टू हंड्रेड हो गया, फाइव का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व का थ्री हंड्रेड माइनस फाइव का क्यूब क्या होगा वन ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री करो थ्री सेवेंटी फाइव, ये दोनों पाँच सौ होगा, पाँच सौ में से थ्री सेवेंटी फाइव गया तो वन ट्वेंटी फाइव मेरे ख्याल से आएगा, देखो तुम आया क्या, सही है। फिर आर मिल गया अपने को मतलब टोटल रिवेन्यू, फिर क्या चाहिए अपने को एवरेज रिवेन्यू, तो एवरेज रिवेन्यू का क्या आंसर आया था, फोर्टी प्लस ट्वेल्व डी माइनस डी स्क्वायर, फोर्टी का फोर्टी प्लस ट्वेल्व डी की वैल्यू क्या है फाइव, थ्री फाइव का स्क्वायर, ट्वेल्व फाइव का कितना होगा सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड है ना, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव थ्री का कितना होता है सेवेंटी फाइव, एवरेज रिवेन्यू कितना है ट्वेंटी फाइव, ठीक है। वैसे भी वन ट्वेंटी फाइव को ना फाइव से डिवाइड करेगा तो ट्वेंटी फाइव आएगा, फिर क्या है मार्जिनल रिवेन्यू, क्या है मार्जिनल रिवेन्यू, फोर्टी प्लस ट्वेंटी फोर डी माइनस नाइन डी स्क्वायर, फोर्टी प्लस ट्वेंटी फोर फाइव माइनस नाइन इंटू फाइव का स्क्वायर, फाइव फोर जो ट्वेंटी, फाइव टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी होगा ना, वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी कितना होगा वन सिक्सटी, ट्वेंटी फाइव नाइन जो टू ट्वेंटी फाइव आएगा मेरे पास, फोर्टी सिक्सटी फाइव है माइनस में, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या माइनस सिक्सटी, क्या देखो तो, ठीक है समझे ये क्वेश्चन,